हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का दिन शुरू हो गया और आज हम बना रहे हैं सैलेड वाले पोहे आसान तरीके से। तो उसके लिए पहले हमने पोहे भिगो दिए हैं और अब आलू छील रहे हैं। तो इसको हम, अगर बड़ा आलू है तो एक दो लोगों के लिए काफ़ी है, और अगर छोटे आलू हैं तो दो आलू आपको करने हैं। तो ये आलू हमने छील लिया है और अब हम इसको काट कर फ्राई करेंगे। इसके छोटे छोटे पीस, पतले पतले बना लेंगे जिससे कि फ्राई करने में आसानी हो। ये देखिए, इस तरीके से पतले पतले पीस हमने काट लिए हैं इसके। ये अब हमारा आलू कट गया है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो आइए फ्राई करने चलते हैं। जितने हमारी कढ़ाई गर्म होती है उतने हम इसमें मसाला डाल देते हैं। ये डाली हमने हल्दी, ये हल्दी हो गई है, और ये स्वाद अनुसार नमक डाला है, ये नमक हो गया है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही डालें। हल्दी हो गई है, लाल मिर्ची हो गई है, और ये हमारे मसाले इसमें पड़ गए हैं। इतने हमारी कढ़ाई गर्म हो रही है। ये हमारी कढ़ाई गरम हो गई है, अब हम इसमें तेल डालेंगे। ये हमने तेल डाला, तो अब हम इसमें आलू डालेंगे। पहले हम आलू फ्राई करेंगे अपने। अब हम गैस कम कर लेंगे और अपने फ्राई आलू जो हैं, हमने जो पोहा मिक्स करा है उस पोहे के अंदर निकाल लेंगे। ये हमने फ्राई आलू सब इसमें निकाल लिए हैं, और जो कढ़ाई का तेल हमारा बच रहा है, क्योंकि ये तेल ज़्यादा है, तो इस ऑयल को हम एक अलग कटोरी में निकाल देंगे और अपने फ्राई लाइक ऑयल इसमें छोड़ेंगे। तो देखते हैं, अब आपको हम बताते हैं, इसका ऑयल निकालते हैं। ये हमने ऑयल ले लिया है, अब हम इसमें सबसे पहले जो है थोड़ी सी राई डालेंगे। चुटकी भर राई डाल दी है, राई चटक गई है, तो प्याज और हरी मिर्च डाल देंगे। ये प्याज और हरी मिर्च डालिए, अब इसको भूंज लेंगे। मिनट में तैयार हो जाता है ये पोहा, बहुत टेस्टी होता है। सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो जाता है ये पोहा। घर में ही बड़े आराम से टेस्टी पोहा बनाकर खाएं आप। सुबह नाश्ते में 5 मिनट लगते हैं इस पोहे को बनाने में। तो ये हमारा प्याज भुंज रही है, प्याज लगभग हमारी भुंज रही है। अब इसे हम थोड़ा सा साइड करके इसमें ये कड़ी पत्ते अपने छोड़ देते हैं। जब ये चटक जाए अच्छे से, ये देखिए चटक गए अच्छे से, तो हम इन सब को मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे अपना फ्राई करा हुआ आलू पोहा। ये हमने पोहा आलू इसमें डाल दिया अपना, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए, ये क्या लजीज पोहा हमारा तैयार हो गया है। ये हमारा लजीज पोहा मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से, और अभी से 2 मिनट इसी तरीके से रख देंगे। 2 मिनट अभी 10 सेकंड ऐसे ढक के रख देंगे जिससे कि वो मसाले जो हैं वो बेस्ट हो जाएं। ये हमने 10 सेकंड के लिए रख दिया था। इसमें जो गैस बन गई है, और जो है गैस हमने बंद कर दी है, और पोहे को हमने अच्छे से चला लिया है। अब इसमें मसाले अच्छे से हो गए हैं, अब हम इसमें डालेंगे अपने सैलेड। तो सैलेड में हमारे पास है टमाटर,
जीरा और प्याज। आप चाहें इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च भी बहुत अच्छी लगती है पतली पतली काट कर। और ये हमारा साइलेट इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए खूब अच्छे से ये मिक्स हो गया है। हमारा पोहा तैयार हो गया है, टेस्टी साइलेट वाला पोहा। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ये लीजिए ये प्लेट में आ गया है। ये देखिए क्या खूबसूरत लग रहा है, रंग बिरंगा पोहा हमारा। और ये हमने ये रख दिया है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी मूंगफली। ये हमने मूंगफली डाल दी है ये देखिए, ताकि ये और अच्छा टेस्टी लगे खाने में और हेल्दी भी रहे। और इसके ऊपर हमने ये करी पत्ते सजा दिए हैं। ये लीजिए ये करी पत्ता, ये डेकोरेट हो गया है। आप इसे खाइए। ये देखिए और इसका टेस्ट लीजिए। ये देखिए कितना अच्छा टेस्टी पोहा आपका तैयार है। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।